नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। जैसा कि काफ़ी इंतजार के बाद लगभग 4 साल हो चुके हैं, उसके बाद अभी 2019 का रिजल्ट आया है, तो आज मेरे साथ है सोमेश द्विवेदी जी, जो डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए। सबसे पहले तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू। एक चीज़ और बता दूँ इससे पहले, आगे जाने से पहले, कि एक एमपी के अलावा यूपी में भी कई पदों पर चयनित हुए हैं और एमपी में भी कई पदों पर चयनित हुए इससे पहले, कई गवर्नमेंट एग्जाम इन्होंने निकाले। और जैसे कि आपके एक मिथक रहता है कि टॉपर्स किस माहौल में पढ़ता है, किस माहौल में रहता है, वो सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इंटर करेंगे, तो इनका रूम देखेंगे, उसके बाद हम बैठ के प्रॉपर चर्चा करेंगे इन्हें तैयारी कैसे की। तो चलिए, आप अपना कुछ। इधर है इनका किचन, खाना वगैरह बनाते हैं, और इधर देख पा रहे होंगे तो टेबल कुर्सी लगा हुआ है प्रॉपर तरीके से, और उधर बुक्स वगैरह, उधर ही बुक्स रखी, बुक्स तो काफी रखी। एक्चुअली 2019 और 20 में अलग अलग सिलेबस थे, तो 19 के लिए हमने जो सोर्स यूज किए थे उससे थोड़ा अपग्रेड करके हमने 20 का सोर्स यूज किया था, और प्रीलिम्स के भी कुछ मैटर हैं, करेंट अफेयर्स वगैरह हैं, और 3-4 साल से हैं तो वो बढ़ता चला गया है। और इसके अलावा आप कुछ एग्जाम, वनडे एग्जाम भी देते रहे हैं, तो वनडे के लिए भी मैंने बहुत सारे सोर्सेस यूज किए हैं, तो इस कारण से। तो चलिए इनसे और भी बैठ के चर्चा करते हैं आगे की, इतने एग्जाम कैसे निकाले और क्या एक्सपीरियंस रहा, और इस प्रेशर को इनने कैसे मैनेज किया। लगभग 4 साल का इंतजार बहुत होता है, और इस बीच में इनने कई एग्जाम भी निकाले, तो सभी के बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। अगर आप सिंपल क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ सिंपल क्वेश्चन से बनता है। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कम से कम 10 बार पढ़ा था, मेंस के भी मुझे लगभग याद हो गए थे, जैसे कोई क्वेश्चन दिखता था मुझे समझ आ जाता है प्रीवियस ईयर का है। एक बार मैं ऐसे लिख रहा था, बीच में लाइट गोल हो गई, मैं मोबाइल का फ्लैश चला करके लिखना शुरू कर दिया, पापा मेरे पास में बैठे थे, उन्होंने देखा तो फिर वो पकड़ के ऐसे थे और मैं लिख रहा था हाँ तुम लिखो जल्दी से। इस सब चीज से मोटिवेशन भी आता है कि अगर आपकी फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि एक टेस्ट लिखने के लिए आपकी मदद कर रही है, मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं करना है तो करके ही मानेंगे। ज्यादातर जो एमपीपीएससी के वीडियोस थे वो मुझे सिलेक्शन तक में मिलते थे, और टॉपर्स लगभग वहीं मिल जाते थे। इसके अलावा मेरे दोस्त भी मुझे सजेस्ट करते थे, एक दो दोस्त हैं जो ज्यादातर मुझे सजेस्ट करते थे कि यहाँ देखो तुम ये वाला वीडियो देखो, ये अच्छा बताया गया है इसमें से। तो सिलेक्शन तक तो मैं पिछले 6-7 महीने से तो देख रहा हूँ, लगभग देख लेता हूँ, और 2-4 दिन में एक आध वीडियो जो भी आते हैं या फिर कंटेंट से जुड़े वीडियो हैं, क्योंकि मैं अभी कल परसों सेलेक्ट हुआ हूँ फाइनली की डीसी बना हूँ। उससे पहले तो यही टारगेट था कि कहीं कोई अच्छी बुक मिल जाए, तो उसके लिए मैं सिलेक्शन तक में एक आध वीडियो आपने डाला था, तो उससे देखा था कि कौन सी नई बुक आई है मार्केट में। तो सिलेक्शन तक का काफी क्रेज है बच्चों के बीच में। मेरा एक दोस्त है तो मैं उसके यहाँ गया हुआ था, तो वो बोला कि चलो तुमको इसमें दिखाते हैं, ये वाला वीडियो देखना, ये वाला अच्छा है, तो मैंने उसको देखा था, फिर हो गया। मुझे लगा था कि हो सकता है कि मेरा भी कभी हो जाए इंटरव्यू, इस दौरान आज आपसे मुलाकात करने का मौका भी मिल गया, तो मुझे मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी के गौतम, मेरे साथ है सुमेश कुमार द्विवेदी जी। इनकी ओवरऑल रैंक डिप्टी कलेक्टर 15वीं रैंक है, और मेंस की बात की जाए तो इनकी 5th रैंक है। थोड़ा सा सोमेश जी का मैं आपको परिचय देता हूं कि 2019 के बाद इन्हें काफ़ी एग्जाम निकाले एमपी के अलावा यूपी में भी, जैसे कि 2017 में एमपी कांस्टेबल में हुआ, इनका रेलवे एसआई में हुआ, डीसी में हुआ सेलेक्ट, और इनका कहें कि लोअर पीसीएस एसएससी के थ्रू भी सिलेक्ट हुए, और 2020 में सीटीओ के पद पे, और फिर रेंजर में भी हुआ इनका, और इसके बाद 2019 का जब रिजल्ट आया तो ये डिप्टी कलेक्टर चयनित हो ही गए। तो इनसे अब कुछ चर्चा करेंगे, और इनका एक छोटा सा परिचय इनसे ही सुने तो ज़्यादा बेस्ट है। मेरा नाम सुमेश कुमार द्विवेदी है, और मैं अभी बने नए जिले मऊगंज के बराव के पास एक दुबगावा गांव है, वहाँ से आता हूँ। मेरी जो शिक्षा है वो स्टार्ट में वहाँ ग्रामीण स्कूल में ही हुई थी, उसके बाद मैं मॉडल साइंस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद 2018 से मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरे पिताजी अतिथि शिक्षक हैं, गेस्ट टीचर गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाते हैं स्कूल में, इसके अलावा वो खेती भी करती हैं, मेरी माता गृहिणी हैं। सोमेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए, रिजल्ट आने में इतना लंबा टाइम लग गया, लगभग 4 साल हो गए, तो इस बीच में क्या कभी डिमोटिवेशन भी मिला होगा कि अब क्या करें क्या ना करें, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया, तो आपको क्या लगता है आपने आपको मोटिवेट कैसे रखा?
हाँ सर, मेरी तैयारी जो 2018 में शुरू हुई थी और पहला अटेम्प्ट मैंने 2019 में दिया था, लगभग डेढ़ साल बाद नोटिफिकेशन आया था। उस साल गवर्नमेंट चेंज हुई थी शायद 18 में कुछ दिन के लिए, और उस वजह से थोड़ा सा नोटिफिकेशन लेट हो गया था। तो उस दौरान वही मेंस वगैरह की तैयारी करते रहे, और आगे आकर के फिर लॉकडाउन वगैरह भी लगता है तो डिमोटिवेशन तो बहुत सारे हुए कि कई बार जैसे हम प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहे हैं तो मेंस का एग्जाम ही नहीं हो रहा है। तो उस दौरान सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये था कि फैमिली का सपोर्ट रहता था, उनको देख करके आदमी मोटिवेट हो जाता था कि अगर वो हमारे लिए इतने सपोर्टिव हैं तो हम उनके लिए भी कुछ बेहतर करें। तो अगर उन्होंने हम पे इन्वेस्ट किया, अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए, फाइनेंस इन्वेस्ट किया, तो हम उनको बेहतर रिजल्ट दिए। इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं था कि फैमिली में मम्मी पापा भाई हैं मेरे जो काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो उनके ही दम पे आदमी मोटिवेट होता रहा और आगे बढ़ता रहा। इस बीच में आपने एक नहीं, चार पांच छह एग्जाम निकाले जी। तो लोग बोलते हैं ना बनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, लेकिन आपने बनडे को लेकर पीसीएस में भी सिलेक्ट लिए, वो डिप्टी कलेक्टर बने हैं, सबसे बड़ी पोस्ट है एमपीपीएससी की बात की जाए तो, वो सभी चीजों को आपने मैनेज कैसे किया तैयारी में? क्या वो एग्जाम भी आपने क्लियर किए हैं और यहाँ पे भी आपने लगातार जैसे कि पीसीएस में 20 वाला भी सीटीआई बने, उसके साथ रेंजर भी बने, यूपी में एसआई भी बने? रेंजर नहीं, मेरा उसमें इंटरव्यू कॉल था 2020 में। अच्छा। और मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था, उससे पहले मैं सीटीओ बन चुका था। तैयारी वनडे एग्जाम और पीएससी की दोनों की मेरी लगभग एक साथ रही है कि स्टार्ट ऐसा था कि स्टार्टिंग में कोई एग्जाम टारगेट कर नहीं रहा था 2017 तक। 17 के बाद मैंने पीएससी की शुरू की थी, लेकिन उसमें ये था कि पीएससी दो एग्जाम्स लेता है, एक तो फॉरेस्ट सर्विस के लिए और एक स्टेट सर्विस के लिए। तो फॉरेस्ट सर्विस के लिए हमारे पास कम से कम एप्टीट्यूड का जनरल नॉलेज तो होना ही चाहिए। उस दौरान मैंने मैथ वगैरह पे काफी वर्क कर लिया था 5-6 महीने, और मैथ बैकग्राउंड भी था मेरा, मैथ और साइंस, तो वहां से काफी सपोर्ट मिल गया। तो इसी की वजह से आगे जैसे जीएस पढ़ते गए तो एक तरफ मैथ स्ट्रांग था और जीएस भी स्ट्रांग था, लगभग इंग्लिश भी बनती थी, ये तीनों का जब कॉम्बो बना तो वनडे एग्जाम निकलना शुरू हो गया। लेकिन मेन फोकस तो पीसीएस की तरफ ही था, पीएससी की तरफ था कि इसी को देना है, तो पूरा फोकस फिर इधर जीएस पे लगा दिया, तो ये एग्जाम भी निकल गए। तो दोनों मतलब दोनों तरफ वर्क करना पड़ा है, ऐसा नहीं था कि एक तरफ किए और एक तरफ निकलता चला गया, ऐसा नहीं था। अब मैं जो प्रश्नों की शुरुआत करने वाला हूँ वो वहां से करने वाला हूँ जहाँ पे आपके सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो जैसे मेरे 2020 के सिलेक्टेड लोगों के इंटरव्यू किए, क्योंकि 19 से पहले उसका रिजल्ट आ गया, कुछ लोग नए देख रहे होंगे तो उनको एक क्लियर कर दूं। तो जो मैंने कमेंट्स देखे और आपके पर्सनली मैसेज आए, उनमें जो प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको हम सौम्य जी से चर्चा करेंगे। जो मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ वो सभी प्रश्नों के जवाब इनके पास बहुत सटीक है, क्योंकि इनने सभी चीजों को मैनेज करके तैयार किया और मैनेज के साथ ही इनने इतने सिलेक्शन लिए, क्योंकि मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल रहता है कोई भी काम करे या तैयारी करे। आपने जो तैयारी की थी पीसीएस की वो कब से की थी और शुरुआती कहाँ से की थी? पीसीएस की तैयारी मेरा ग्रेजुएशन 2017 में पूरा हो गया था, तो उसके होने के बाद फिर मैं आपको बताया मैंने कि फिर थोड़ा सा वनडे एग्जाम की तरफ स्विच हुआ था जी। क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले थे, उस दौरान काफी वैकेंसीज आई थी, तो जैसे पटवारी की आई, एसआई की आई, तो उसको देख करके मैं उधर बढ़ा था। लेकिन चूंकि जीएस बनता नहीं था उस दौरान, मैंने पढ़ाई की नहीं थी, तो हर बार मेरा एग्जाम रुक जाता था थोड़े थोड़े नंबर से। एक्चुअली कॉन्स्टेबल मेरा हुआ भी था लेकिन मैं उसमें रनिंग के लिए नहीं गया था, तो वहाँ मैंने पढ़ाई इसकी कर ली। लेकिन धीरे धीरे मुझे मतलब एक बार कॉलेज, जब कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ इलाहाबाद से कमिश्नर आए थे, शायद हमारे किन्हीं प्रोफेसर के मित्र रहे हैं, तो उन्होंने एक छोटा सा सेमिनार करवाया था, तो उनसे मिलकर के मुझे मोटिवेशन मिला कि सिविल सर्विसेज की तैयारी थोड़ी करनी चाहिए शायद। तो वही फिर मैं 2018 में मैंने एमपी पढ़ना शुरू किया था। स्टार्ट में मैं एक छोटी एक संस्था में वहाँ पढ़ता भी था, वहाँ एक टीचर थे उत्तम सिंह, तो वो मुझे पढ़ाते थे, वो हम लोग को बढ़िया पढ़ाया था उन्होंने। तो सबसे पहले हम लोगों ने एमपी पढ़ा था, और उनका एक पैटर्न था कि वो पढ़ाने का, कि वो क्या करते थे कि सिलेबस उनका ये रहता था कि आकर के सिलेबस के बीच से कुछ भी पूछ देते थे कि इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनका फेवरेट था कि किसको क्वेश्चन पेपर कितने याद हैं, कि कोई भी ऐसा प्रश्न एक्चुअली क्या होता है कि ज़्यादातर रिपीट हो जाते हैं क्योंकि सिलेबस कॉमन रहता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो रिपीटेड कभी गलत ना हो तो सिलेक्शन हो जाता है लगभग। तो वही वो क्वेश्चन क्या करते थे कि लिखने के लिए दे देते थे और अगले दिन हम उसको लिख के ले जाते थे। तो धीरे धीरे ऐसे करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समझ में आने लगा,
उसके समझ आने से ये समझ आया कि वेटेज किसका ज्यादा है, तो हम लोगों को समझ आने लगा कि एमपी हो गया, एक्ट हो गया, इनका वेटेज बहुत ज्यादा है प्रीलिम्स के लिए। तो धीरे धीरे प्रीलिम्स की तैयारी एक रोड मैप पे आती गई, लेकिन मेरा इलिजिबल नहीं था, मैं 21 साल का नहीं था, तो मैंने 2018 का दिया ही नहीं प्रीलिम्स, वो आगे बढ़ गया। इसके बाद सर मैं इंदौर आया और इंदौर में आकर के मैंने तैयारी की थी एक संस्था से, और उन्हीं संस्था के नोट्स वगैरह जो भी थे वही पढ़ता था, और धीरे धीरे करके नोटिफिकेशन के पहले तक लगभग बेसिक सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश की पीएससी के लिए। अब ये दौर एक चलता रहा, इसके साथ साथ मैं वनडे एग्जाम्स के फॉर्म भरता रहा लगातार। तो जब मैंने कोई एक एग्ज़ाम दिया नहीं था अभी तक पीसीएस का, इस दौरान रेलवे की वैकेंसी आई हुई थी सब इंस्पेक्टर की, मैंने वो फॉर्म डाल दिया और उसका एग्ज़ाम हुआ। मैंने एग्ज़ाम दिया, मुझे ऑर्डिनरी लगा कि मैंने ठीक ठाक किया हुआ है, रिजल्ट आया उस पर मेरा हो गया, हालांकि बाद में रनिंग करने नहीं गया था उसमें, पर अब वही हो गया। उसके बाद फिर मुझे अब कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि मैं कर सकता हूँ, अगर मैंने मेहनत की तो मेरा हो जाएगा। तो फिर मैं पेपर थ्री टारगेट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पेपर थ्री अच्छा होता चला गया। तो शुरुआत मेरी वहीं एमपी से हुई, एमपी मैंने पढ़ा, अधिनियम पढ़ा ताकि प्रीलिम्स की मैटर क्लियर हो। फिर मैंने देखा पॉलिटी का भी वेटेज है, हिस्ट्री का भी वेटेज होता है 10-10 नंबर के आसपास, 10-10 क्वेश्चन के, तो वही धीरे धीरे हिस्ट्री पॉलिटी। हाँ ये चीज़ है कि मैंने सबसे आखिरी में इकोनॉमिक्स पढ़ा था, और इकोनॉमिक्स मैंने उस संस्था में जो कुछ पढ़ा था उसके बाद मैंने लूसेंट देखी थी इकोनॉमिक्स की, ये देख रहा था कि उसका वेटेज थोड़ा कम रहता है, 4-5 क्वेश्चन का रहता है, लूसेंट से भी आ जाता है, वो डाटा डायरेक्ट करंट वगैरह आ जाता है। तो वही लास्ट में किया और बस 19 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया और प्रीलिम्स मेरे ठीक ठाक नंबर आए। अभी 17 दिसंबर को मैंने 2023 का दिया है, तो मेरा 19-20-21 पांच अटेम्प्ट हो गया। 19 पांच अटेम्प्ट में देखा जाए तो आपका कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं रहा जिसमें आपका सिलेक्शन ना हो। हाँ, सिलेक्शन मेरा लगातार हो रहा है, लगातार कंटिन्यू सभी एग्जाम निकले जी। इसके पीछे क्या वजह है? कभी कभी लोगों का प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाता, कभी मेंस नहीं हो पाता, जबकि आप फाइनल तक पहुंचे जो भी एग्जाम दिया है जी। रोड मैप कैसे तैयार किया था, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इसके लिए एग्जाम में? जब हम तैयारी शुरू किए तो हमको उतनी जानकारी होती नहीं थी कि क्या पढ़ लें, कैसे पढ़ें, और ऐसा रहता था कि जो भी सजेस्ट कर देते हम लोग वो बुक ले लेते, पढ़ने लगते थे। तो 1-1.5 साल तो मेरा ऐसे ही चलता गया। फिर एक संस्था से जुड़ा मैं, वो लोग धीरे धीरे मुझे सही दिशा में पढ़ाना शुरू कर दिए कि ये सिलेबस का हिस्सा है और इससे ये प्रश्न आते हैं, तो ये प्रश्न आए हैं तो कैसे पढ़ना है उसको। ऐसा करने से धीरे धीरे मेरी एनालिसिस करने की थोड़ी थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ती चली गई, मुझे समझ आने लगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, और फिर अब टारगेटिव हो गया पढ़ना। अभी तक कुछ भी पढ़ रहे थे, अब टारगेटिव हो गया। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कम से कम 10 बार पढ़ा था प्रीलिम्स की, मेंस के भी मुझे लगभग याद हो गए थे, जैसे कोई क्वेश्चन दिखता था मुझे समझ आ जाता प्रीवियस ईयर का ही। अब टेस्ट सीरीज करते थे तो लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते थे, तो वहाँ से समझ आने लगा था। तो सबसे बड़ी चीज़ थी सिलेबस का डीपली नॉलेज होना कि आप सिलेबस अगर राष्ट्रीय आय लिखा है तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या डायमेंशंस इसके हो सकते हैं, और उसको समझना, और प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको समझना। तो लगभग ये होता है कि 70-80% हम गेस कर ले जाते हैं कि यहाँ से ये टॉपिक हैं आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरा कर पाते हैं, क्योंकि पीसीएस बड़ी संस्था है, वो कुछ अलग ढंग से क्वेश्चन बनाती है, और फिर वही देखते थे उसको, और अगर 50-60% भी हमारा पढ़ा हुआ फंस गया तो बाकी चीज़ें कुछ एनालिसिस से सही हो जाती थी। लगभग आप पता ही है कि मेंस में 55-57% अगर आ जाए आपका तो आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाता है, और प्रीलिम्स में अगर आपने 80 क्वेश्चन कर लिए किसी भी तरीके से, वो भी क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है, 80 हुए तो लगभग आपका सिलेक्शन तय रहता है। सबसे बड़ी समस्या इस एस्पिरेंट की प्रीलिम्स क्लियर करना, क्योंकि कट ऑफ इतना हाई जाने लगा है, तो कुछ प्रीलिम्स को लेकर ऐसी चीज बताइए कि जो आपने 80 नंबर लगभग आपके हर बार आते ही हैं, 80 टच करते हैं, हाँ, तो उसके लिए कैसे तैयारी करना चाहिए स्टूडेंट्स को, और आपका क्या अनुभव रहा? हाँ, प्रीलिम्स में एमबीपीएससी 2020 में मेरे 72 थे, बाकी लगभग 80 प्लस हैं, 80, 81, 82 ऐसे ही रहते हैं लगभग। उसके लिए अब ये है कि अब इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मेरे वो क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं जो अलग से आ रहे हैं, मतलब जो गलत करने लायक है मैं कर रहा हूँ उनको गलती, लेकिन जो सही करने लायक है वो मेरे गलत नहीं होते हैं। अगर आप सिंपल क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ सिंपल क्वेश्चन से बनता है। तो मेरा टारगेट यही रहता है कि जो चीज़ें पढ़ रखी है पहले तो उनको अच्छे से कर डालें, और सिंपल क्वेश्चन किसी भी स्थिति में गलत ना हो। और जाहिर सी बात है कि अगर आप 60 क्वेश्चन सही से बन गए
तो 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको 2 में डाउट होता है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी है कि 10 सही हो जाएंगे, और आखिरी के 20 में अगर आपके 5-7 सही हो गए तो वैसे भी आप 75-77 पहुंच गए। और मुझे लगता है कि इतना 77-78 अगर आप पहुंच रहे हैं तो लगभग पहुंच जाते हैं। अब 2020 को छोड़ दे तो बाकी कट ऑफ लगभग 77-76, एक आध बार तो 70 भी रहा है, तो ऐसे ही रहा है। पिछले कुछ टाइम से कट ऑफ बढ़ भी रहा है, ये बात सही है, उसका एक कारण ये भी है कि रिजल्ट्स नहीं आए और वही बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं जी, तो वो काफ़ी नंबर ला रहे हैं, ये बात मैं भी मानता हूँ। तो धीरे धीरे करके मेहनत करें, और वही स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस कवर हो जी, तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि टॉपर कोचिंग नहीं बताता और बुक्स नहीं बताता, तो इसके पीछे क्या कारण है? उसका एक रीज़न ये भी होता है कि मेरा जो मेंटल कंडीशन है अभी का, कि मैं कितना समझ पाता हूँ चीज़ों को, मेरा लेवल क्या है, क्योंकि हम ऐसा तो होता नहीं है कि हम ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पहुँचते हैं, मतलब हम मिनिमम 15 साल तो पढ़ के आते हैं, 12 साल स्कूलिंग रहती है, 3 साल ग्रेजुएशन का रहता है, तो 15 साल के दौरान हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ के वहाँ से आते हैं, और हमारा जो समझ है, हमारी समझ वो पहले बन चुकी होती है काफ़ी चीज़ों को लेके। तो हर स्टूडेंट के लिए किसी एक पर्सन के बताए हुए सोर्स नहीं हो सकते हैं, उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकते मुझे लगता है। तो सोर्स अपनी मेंटल कंडीशन, अपनी तैयारी के हिसाब से होनी चाहिए। अगर किसी की तैयारी अच्छी है, उसने UPSC पढ़ रखा है, तो अगर नोट्स वगैरह प्रेफर करेगा तो भी उसका अच्छा जाएगा, और अगर आप जीरो से तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको स्टैंडर्ड बुक देखना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जा करके आपकी तैयारी हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि शायद वो यही समझते होंगे कि वो जो बुक यूज़ की है तो उनकी तैयारी के हिसाब से था, इस कारण वो बताते हैं। कोचिंग के बारे में एक चीज़ बता दूँ मैं, सबसे पहले कि 4-5 कोचिंग उनमें डेमो लें, जहाँ पे आपको समझ आ रहा है वहाँ पे एडमिशन लें। ऐसा नहीं कि आप किसी के पीछे जा रहे हैं कि एक कोचिंग में मेरा दोस्त जा रहा था वहाँ पर जाए, हो सकता है आपकी क्षमताएं अलग हों और दूसरी कोचिंग आप बहुत बेसिक से पढ़ा रहा है, कोई कोचिंग एक लेवल से पढ़ा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपका लेवल नहीं है तो एक बेसिक से पढ़ना चाहिए। तो आप कोचिंग का चुनाव टॉपर के बताए हुए मार्ग पर ना करें या फिर किसी पड़ोसी या दोस्त के माध्यम से ना करें, मुझे लगता है कि आप सेल्फ डिसीजन लें उसके बारे में, लेकिन उसके बारे में जानकारी जरूर ले लें कि लास्ट तक सिलेबस कराता है कवर या नहीं कराते, और फैकल्टी कौन कौन सी है। हाँ, तो कोचिंग में जाकर जरूर पूछें कि आपकी फैकल्टी कौन कौन सी है, उनका क्वालिफिकेशन क्या क्या है, ये चीजें क्या है कि आप खुद समझना चाहिए। और वीडियो के माध्यम से बुक्स का इसलिए नहीं बताते क्योंकि ये वीडियो हर एक प्रकार के स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट प्रेशर भी देख रहा है और जिनका प्रीमेंस नहीं करा, 2-3 साल से तैयारी कर रहे वो भी देख रहे हैं, तो सभी के लिए बुक्स का चुनाव अलग अलग करना चाहिए। वो आपको बता ही दिया कि सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को फॉलो करते हुए बुक्स का चुनाव करें ज्यादा बेस्ट है। और वही चीज मैं आपको हमेशा बताता हूँ और प्रयास करता हूँ कि बेहतर से बेहतर बुक जैसे मार्केट में आती है तो उसका एक अलग ही वीडियो है, टेलीग्राम के माध्यम से आपको सजेस्ट कर दिया जाए, तो वो उस टाइम पे जो बुक बेस्ट है वो उस बुक के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। तो सिलेक्शन तक टेलीग्राम में काफी कंटेंट आपको मिल जाए, कुछ कॉपी भी डाल देता हूँ, नोट्स भी डाल देता हूँ, जैसे आपको एक डेमो PDF से भी पता चल जाए कि कैसे लिखना है और टॉपर कैसे लिखते थे, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि यार इनसे बेहतर तो मैं भी लिखता हूँ। कभी कभी स्टूडेंट सोचता है कि यार कैसे लिखना है, जब वो कॉपी देखता है इससे बेहतर मैं लिखता हूँ, तो कॉन्फिडेंस आ जाती है कि अब मैं अपनी तैयारी जारी रखूँ तो मेरा 100% होना है, मैं भी DC बन सकता हूँ। हाँ, नहीं वो कॉपीज जैसे आ जाती हैं तो धीरे धीरे ये आ जाता है कि इनके जैसा तो मैं भी लिख लेता हूँ और थोड़ी मेहनत करूंगा तो मैं भी पेपर अटेम्प्ट कर लूंगा, तो इसका रहता है अगर आप कॉपीज डाल देते हैं टॉपर्स की तो कॉन्फिडेंस तो बच्चों को आता है, ये चीज़ मैंने देखी है, और नोट्स वगैरह जैसे वो देख रहे हैं तो उससे भी उनको आता है कि ऐसा तो मैं भी बना लेता हूँ, अगर मैं बना पा रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन भी होना चाहिए, तो ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। कैसे नोट्स तैयार करें? नोट्स जो हम क्रिएट करते हैं वो अपने लिए बनाते हैं, बाद में ये सिलेक्शन के बाद होता है कि इसी से पढ़ा है, ऐसा नहीं होता है। हमने कोई बुक पढ़ रखी है, उस बुक से कुछ कंटेंट हमको बहुत अच्छा आता है, कुछ कंटेंट अच्छा नहीं आता है, तो जो नहीं आता है उसके हम नोट्स बनाते हैं कि ताकि उसको हम बार बार रिवाइज कर सकें, और जो आता है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं और सर से निकल गए वहां से। बिल्कुल, तो बच्चों को धीरे धीरे लगने लगता है कि नहीं शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, अगर नहीं होगा तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने कोई शॉर्ट नोट्स आज तक नहीं बनाए हैं, मैं बुक्स पढ़ता हूँ और जैसे कोई सेक्शन है कि नहीं है मेरी किताब में तो मैं कोई दूसरी बुक उठाता हूँ, पेजेस ले लेता हूँ, ये जो खाली पेज आते हैं उसी पेजेस में लिख लेता हूँ, पंच करके रख लेता हूँ, स्टेपल करके उसको, और जब जरूरत पड़ती है तो उसको उठा के पढ़ लेता हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ों को बना रखा है कि थोड़े छोटे छोटे बना के और उसी से काम चल रहा है अपना। अब तो लगभग लोग उठा ले गए उनको, अब यहाँ अवेलेबल नहीं रह पाता है, पर यह है कि इसी तरह से करना चाहिए।
अगर आपके पास नोट्स है उसमें कुछ चीजें नहीं अपडेट है तो उसको अपडेट कर लें और एक ही किताब को पढ़ें बार बार, ऐसा ना हो कि आप बदलते रहें। एमपी को लेकर काफी बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, तो एमपी का कोई भी बुक आपको जो लगता है वो खरीद लीजिए जो बेस्ट हो सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके साथ मानचित्रावली आप जरूर पढ़ें। उससे क्या है कि चीजें काफी सरल हो जाती है और याद करने में आसान हो जाती है। मानचित्र का क्या होता है कि जैसे वो इम्पैक्ट होता है, अगर आपने पढ़ा कि ये मलाजखंड बालाघाट में है, अगर आपको बालाघाट का मैप याद है तो आपको समझ आएगा कि बालाघाट यहाँ नीचे है, इस जगह पे है, और अगर मैप नहीं याद है तो फिर आप उसको रट रहे हैं। इससे पहले क्या कि एग्जाम्स प्री से पहले ही मैंने एक मानचित्रावली तत्थमाड़ की आई थी, आपने यदि देखा हो देखा हो तो वो वाली मानचित्रावली मैंने पहले ही सजेस्ट की थी, इसे दो दिन में रिवीजन कर सकते हैं और जो क्वेश्चन गलत होने वाला है वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बनाया था, तो उसी टाइप से क्या कि चीजें याद हो जाती हैं। तो फिर उसके बाद देखा कि काफी लोगों ने बोला कि यदि ये पढ़ा होता तो ये मेरा गलत नहीं होता, ये डायरेक्टली ऊपर है इसके नीचे, तो वो कन्फ्यूजन पैदा नहीं होता। तो आप सबसे यदि बेस्ट की बात की जाए वर्तमान में, यदि आगे और बेस्ट होगा तो मैं आपको बता ही दूंगा कि तत्थमाड़ की मानचित्रावली एकदम डिटेल नॉलेज के साथ वो मिल जाएगी आपको, कलरफुल रहेगी। इस टाइप से एमपी की कोई मानचित्रावली उससे बेस्ट नहीं है। बुक तो आप जो आपको उचित लगे वो देख लीजिएगा मार्केट में। एमपी की बुक जो भी मतलब सिलेबस को कवर करती हो, आपके ज्योग्राफी के सेक्शन करती हो, पॉलिटी को करती हो, और अच्छी बुक हो, ज्यादा इतना ज़्यादा भी कंटेंट ना हो और कम कंटेंट भी नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर बनता है, अभी आपने देखा भी होगा 2023 वाला, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन एनालिसिस पे रहते हैं, तो जो बच्चे उसके पूरे क्वेश्चन सही कर ले गए उनका लगभग प्रीलिम्स हो जाता है, और बहुत सारे बच्चे हैं कि जो नहीं समझ पाते हैं तो उनका प्रीलिम्स में फिर वही एक दो नंबर से रह जाता है और बाद में वो दुखी होते रहते हैं। वो चीज़ यदि मानचित्र में हमने प्रॉपर देखी होती तो काफी चीज वहां से ही हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट देखा हमने ये ऊपर ये नीचे है। क्या है कि इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चों को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट क्यों आता है? ज्योग्राफी में इसलिए आता है कि उनको पता होता है, जैसे कोई बात एमपी की चल रही है तो उनको दिमाग में होगा कि एमपी बीच में है, पाकिस्तान की चल रही है तो पाकिस्तान समझ आ रहा है, बांग्लादेश ये चीज यहाँ उत्पादित होती है, तो उनके दिमाग में अगर आया वो चीज तो वो दिमाग में बना रह जाता है। इसीलिए ज्योग्राफी में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में, और थोड़ा वो साइंटिफिक है भी तो वो बेहतर रहता है। अगर आप मानचित्र से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट मिलेगा और ज़्यादा लंबे समय तक याद रह पाएगा। जो आपने प्रीलिम्स निकलने के बाद जो मेंस की तैयारी की थी उस बीच आपको कितना टाइम मिला था और उस चीज़ को मैनेज कैसे किया था टाइम को आपने? प्रीलिम्स पहला प्रीलिम्स जब हम 19 में दिए तो शायद 12 जनवरी को हुआ था, 12 जनवरी 2020 को। उसके बाद ये था कि अप्रैल में लगभग मेंस हो जाएगा इसका, और सब ठीक चल रहा था कि अप्रैल में मेंस होगा, क्या कैसे, बीच में थोड़ा सा कुछ विवाद था कि कैसे और रोस्टर का या रेल लगे या ना लगे, क्या कैसे उसको लेकर के कुछ लोग कोर्ट में थे, लेकिन तब तक ये क्लियर नहीं था। अचानक से फिर कोरोना आ गया मार्च में, लगभग मैंने तैयारी शुरू की थी, सब्जेक्ट्स कुछ मेरे सही थे, पर मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स मैंने बाद में शुरू की थी, तो मेरा सबसे वीक पोर्शन इकोनॉमिक्स का था और 150 नंबर का आता था, तो मैं काफ़ी प्रेशर फील कर रहा था उसको लेकर के, तो मैंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स ही शुरू की थी। और इकोनॉमिक्स में जैसे ही ख़त्म होने के बाद तो कोरोना आ गया, कोरोना आ गया तो एक दो दिन पहले ही हम यहाँ से निकल लिए थे, तो फिर अब बुक भी लेके नहीं गए थे, तो वहाँ पहुँचे तो मेरे पास वही इकोनॉमिक्स की एक कोई दृष्टि की मैंने एक बुक ले रखी थी, तो उसको मैं पढ़ रहा था, उसी को करता गया वहाँ से लगभग। और फिर कोविड के बाद इतना लंबा वो चला कि न बुक है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, और इतना आदमी डिमोरलाइज हो रहा था उस टाइम पे, ऐसा लग रहा था कि प्रीलिम्स निकालने का भी कोई मतलब नहीं है यहाँ से। और धीरे धीरे फिर मैंने बीच कोविड में लगभग आधा घंटा मतलब लगभग एक डेढ़ महीना हो गया, मैंने यहाँ से बुक मंगवाई एक जगह से, पूरे एक साथ एक संस्थान के पूरे बुक मंगवाई, और फिर उसको नए सिरे से पढ़ना शुरू किया। मेरे सारे नोट्स यहाँ छूट गए थे, अब मैं उसको पढ़ना शुरू कर रहा हूँ नए सिरे से, फिर हो गया। उसके बाद मैंने एक संस्था में टेस्ट सीरीज की ऑनलाइन, तो उसमें आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो मेरी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज थी तो वो लगभग मैंने जुलाई में ज्वाइन की, और मैं गांव में रहता था लगभग मऊगंज, आप पता ही है कि वो टेल जगह है, वहाँ लाइट की समस्या होती थी। टेस्ट सीरीज की टाइमिंग होती थी शाम को 7 बजे, 7 बजे तक लगभग अंधेरा हो जाया करता था, तो क्या होता कि कभी पानी गिरने लगता, पानी ना भी गिरता तो लाइट कट हो जाती, और 1.5 घंटे मुझे लिखना रहता था, तो क्या होता था कभी कभी एक बार मैं ऐसे लिख रहा था बीच में लाइट गोल हो गई, तो मैं मोबाइल का फ्लैश जला करके लिखना शुरू कर दिया। मेरे फादर देखे, वो पापा मेरे पास में बैठे थे, उन्होंने देखा तो फिर वो पकड़ के ऐसे थे और मैं लिख रहा था हाँ तुम लिखो जल्दी से। फिर बाद में फोटो खींचने के लिए फोटो खींच रहे, तो पीडीएफ बनाने में मदद कर रहे हैं, तो काफी इस सब चीज से मोटिवेशन भी आता है कि अगर आपकी फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि एक टेस्ट लिखने के लिए आपकी मदद कर रही है, तो
मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं करना है तो करके ही मानेंगे। और उस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का मुझे बहुत फ़ायदा मिला, लगभग मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख गया और पढ़ाई के लिए वही मेंस के जो सोर्स मैंने यूज किए थे उन्हीं को बार बार रिवाइज कर रहा था लगातार। पॉलिटी थी, इकोनॉमिक्स था, इथिक्स था, उसको बार बार करता गया और बस फिर वही अक्टूबर के आसपास वापस आ गया मैं। फिर यहाँ टेस्ट सीरीज करके मेंस दिया था मैंने। उसके बाद यहाँ से एक सीख आपको ले लेनी चाहिए कि कोई भी चीज़ है ना, कि अभी जैसे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप लोग बोलने लगते हैं कि अब क्या तैयारी करें, मन नहीं लग रहा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो सोमेश जी से यदि मैंने जो देखा कि आपदा को इनने अवसर में बदला, भले सभी के लिए कोरोना था लेकिन इनके लिए वो तैयारी की। हाँ, वो ऐसा नहीं कि अभी कोरोना लग गया सभी चीजें बंद हो गई तो पढ़ाना नहीं है। काफी लोगों ने क्या किया कि घर पे अभी चलो मजे कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग खोलेगी जब देखेंगे। हाँ, तो वो है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया अपनी तो तैयारी जारी रखें। हाँ, वही था कि मतलब मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मैं प्रिपेयर नहीं था। अगर कोविड लंबा ना चला होता तो हो सकता है कि मैं जिसमें डीसी बना हुआ हूँ इसमें मेरा मेंसी ना होता, हो सकता है, एक चांस था ये कि ना होता। पर वो मुझे टाइम मिल गया उस दौरान, मैंने खूब पढ़ डाला चीज़ों को और लिखने की प्रैक्टिस कर डाली, तो क्या वो किया नहीं, वो होता चला गया, ऐसे ही चलता गया पता ही नहीं चला कब सीख गए लिखना। फिर जब मैं यहाँ आकर के मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की तो मुझे फील हुआ कि मैं क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना सीख लिया, जो मैं पहले नहीं कर पाता था वो अटेम्प्ट हो जाने लगा। तो अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा कि नहीं मैं कर ले जाऊंगा। क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले खुद लिखना जरूरी है घर पर? मुझे लगता है कि मेरा जो वो रहता है, मेरे पढ़ने का तरीका ये है कि मैं मैक्सिमम चीज़ों को लिख के पढ़ता हूँ, तो इसके दो तीन फायदे मिलते हैं। एक फायदा ये मिलता है कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो आप लिख के पढ़ रहे हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं धीरे धीरे। तो अगर आपको टाइम नहीं है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और लिख के पढ़ने से मैंने ऐसा सुना हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज़्यादा होता है, आप पढ़ रहे हैं और आपका अगर हाथ और माइंड का कॉम्बो अच्छा चल रहा है, हैंड और माइंड कॉम्बो, तो फिर वो बहुत बढ़िया चलता है। तो यही करना चाहिए कि लगभग अगर आपके पास टाइम है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप लिख के पढ़ें और उससे नोट्स भी बनेंगे और आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है। तो एक स्ट्रैटेजी मुझे बहुत काम आई थी। तो ऐसा मुझे कभी नहीं पड़ा कि मैं लिख के जाऊं यहाँ से, क्योंकि मैं लिख ही रहा हूँ लगातार, तो कुछ नया करने की ज़रूरत तो है नहीं उसमें। मैं वहाँ सीधा गया, वहाँ टारगेटिव लिखना पड़ता है कि 1.5 घंटा है, इसमें हमको ख़त्म करना है किसी प्रकार से। कोई टॉपर से मिलना चाहिए मुझे भी, या टॉपर्स की कॉपी मिल जाती तो मुझे थोड़ा सा देखने में आसानी हो जाती। आपके अंदर भी कुछ प्रश्न आते होंगे ऐसे? इनिशियल स्टेज में जब मैं पहले अटेम्प्ट में था अपने, तो मुझे कोई भी जो मेंस दे रखे हैं, मुझे लगता था कि वो बहुत अच्छे हैं, उनका निकला नहीं निकला उससे मतलब नहीं था, ये था कि इनने मेंस दे रखा है मतलब इनको मुझसे ज़्यादा चीज़ें आती थी। मैं उनसे बात करता था और अपनी कॉपीज भी दिखाता था कभी कभार, तो उसमें दो टाइप के लोग मिलते थे, कुछ लोग डिमोरलाइज कर देते थे, कुछ लोग अच्छा मोटिवेट कर देते थे। तो मिला जुला एक्सपीरियंस रहा और ये मन में हमेशा रहता था कोई तो बता दो, थोड़ा तो बता दो। तो अगर आपने आपका सिलेक्शन, और सिलेक्शन वाले तो मिलते ही नहीं थे हमसे, और ये रहता था कि जो मेंस दे रखे हैं उनसे हम बार बार पूछते थे, कोई प्रीलिम्स क्वालिफाई है तो पूछ रहे हैं उनसे। तो ये एक प्रोसेस होता है और हर बच्चा उससे गुजरता है, हम भी कुछ अलग नहीं थे। किस सेलेक्टेड का इंटरव्यू देखा था आपने, किसी का ऐसा कुछ ध्यान हो कि फिर लगाओ कि यार ऐसा भी हमारा टाइम आएगा? लॉकडाउन के दौरान काफ़ी डिमोरलाइज हो रहा था, तो मैं जैसे हर्षल चौधरी का सिलेक्शन था उनको देख लेता था, और निशांत जैन उनको मैं देखता था हिंदी माध्यम से, उनको हिंदी माध्यम से थे, 13 रैंक थी उनकी शायद, तो उनको मैं देखता था। गंगा राज पुरोहित हैं गंगा से, उनको देखता था तो थोड़ा मोटिवेशन, सृष्टि देशमुख उनको देखता था थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आने लगा था। मैं एक बीच में बहुत देखने लगा था टॉपर्स को, कि बहुत ज़्यादा देखता था कि क्या ऐसा अलग कर रहे हैं। फिर MBPSC के देखने लगा, जो बताते थे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, वो देखने लगा, तो देखता था। फिर मैंने ऑफलाइन पहली बार एक राकेश आर्या हैं, DSP थे वो, जिस संस्था में पढ़ता था वहाँ आके उन्होंने बताया था, पहली बार मुझे लगा था कि नहीं कर ले जाएंगे। वो काफी सिंपल लगे मुझे और बढ़िया लगे थे। कॉपी देखकर आपको लगा होगा कि ऐसे तो हम भी लिखते हैं इनसे अच्छा, तो हमारा तो हो ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं उससे एक मोटिवेशन मिलता है कॉपी देखने से। जैसे कॉपी हमने देखी, ऐसा नहीं होता है कि आपको 150 में 100 के ऊपर ही नंबर लाना है, ये रहता है कि 80 के ऊपर अगर आप नंबर ला रहे हैं तो अच्छा है। तो मैंने एक बार हर्षल चौधरी की कॉपी देखी थी 2019 का, जब मेंस था उससे पहले, हर्षल चौधरी इकोनॉमिक्स की कुछ कॉपी थी, 85 नंबर के आसपास उनको मिला था, इतने नंबर मेरे आ जा रहे थे लगभग। तो मुझे ये हुआ कि अगर ये ऐसा लिखते हैं, हम भी तो ऐसा ही लिखते हैं, हो सकता है कि हमारा हो जाए।
तो वो एक मोटिवेशन का काम करता है, अगर आप तब तक कर पा रहे हैं तो। जब नहीं कर पाते हैं तो आपके अंदर प्रेशर भी बिल्ड होता है कि नहीं मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा कम से कम। तो मोटिवेशन मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव तरीके से मिले चाहे निगेटिव तरीके से, मिलता जरूर है। मैं इसलिए प्रयास करता हूँ कि टेली सिलेक्शन तक का जो टेलीग्राम ग्रुप है सिलेक्शन तक के नाम से ये, तो वहाँ पर कॉपी और टॉपर के नोट्स वगैरह इसलिए डाल देता हूँ कि लोगों को ऐसा जो कभी कभी ऐसा लगता है कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो सिलेक्टेड पर्सन से एक सीख ले ले कि यार इनने जो किया है उससे बेहतर हम कर रहे हैं तो हम कर ले जाएंगे। कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारे डिमोटिवेट होते हैं, वहाँ पे एक मोटिवेशन मिल जाता है। हाँ, मोटिवेशन तो मिलता है, अगर उनकी कॉपीज देखते हैं तो भी मोटिवेशन मिलता है, बात करते हैं तो भी मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि ऐसा बनना है, अगर अच्छा करेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो एक विजन बन जाता है कि हमको ऐसा लगभग ऐसा बनना है। कुछ लोग इंटरव्यू देख के सोचते हैं कि मैं बन जाऊंगा तो मैं भी इसी तरह से इंटरव्यू दूंगा और मेरा भी लोग देखेंगे। हाँ, ये भी रहता है, जिससे इंटरव्यू कभी कभी लोगों का बहुत अच्छा लगता है, उनकी जो संघर्ष की कहानी है उसको देखते हैं। आपसे कभी इस टाइप से किसी ने बोला कि आपका भी ऐसा इंटरव्यू होगा, या आपने सोचा कि मैं भी लोग इस टाइप से इंटरव्यू देखने के बाद मेरा भी कोई इंटरव्यू देखेगा? हाँ हाँ, मतलब दोस्तों के बीच में जब हम बैठते हैं भाई, ग्रुप हर आदमी का कोर ग्रुप होता है, तो वहाँ बातें चलती हैं कि हाँ अगर सिलेक्शन हो गया तो हम भी ऐसे इंटरव्यू देंगे, और बात होगी कि हम कैसे तैयारी की, हमारी जर्नी क्या रही, तो वो छोटे छोटे पल बहुत अच्छे लगते हैं और बाद में तो वो हमको बहुत ही याद आते हैं। अभी फिलहाल तो मुझे अच्छा ही लगता है कि हम तब ऐसी बातें कर रहे थे, फिर उसमें कुछ दोस्त सेलेक्ट होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, ऐसा नहीं है, पर हो गया सबको साथ लेके चलने की। यदि एक चीज की और बात की जाए पर मेंस को लेकर, जो लोग बोलते हैं कि थर्ड पेपर और फोर्थ और फिफ्थ पेपर, यदि जिसका सही है तो वो किंग मेकर की भूमिका में एमपीपीएससी में, जैसे कि वो डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनेगा, अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, क्या ये कहना उचित है आपके अनुसार? हाँ, थोड़ा मैं इस बारे में थोड़ी अलग राय रखता हूँ कि जैसे क्वेश्चन पेपर वन और टू, वन जो पेपर है मोस्टली स्टैटिक सेक्शन का है, तो अगर आपने एक बार अच्छे से तैयारी कर रखी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको रोज उसको पढ़ने की हर हमेशा रिवाइज करने की जरूरत है। अगर एक बार दो बार आपने अच्छे से पढ़ रखा है, लिखने आता है, तो आप कर ले जाएंगे। थ्री और फाइव, पेपर फोर तो ठीक है, दो और चार लगभग एक जैसे हैं, पेपर थ्री और फाइव में मैं फोकस करता था। क्या था कि उसमें जैसे उसमें गणित का सेक्शन है बीच में 30 नंबर का, और फिजिक्स से भी आजकल हम देख रहे हैं कि 9-10 नंबर का न्यूमेरिकल आ ही जाता है, तो हम अगर उसमें से 38-39 नंबर कर ले गए, 38 नंबर, तो ऑलरेडी हम बाकी स्टूडेंट्स से थोड़ा तो आगे निकल जाते हैं हल्का सा। तो मुझे लगता है कि पेपर थ्री फोकस करना चाहिए, उनमें से वन यूनिट से फाइव यूनिट, छः यूनिट और सात यूनिट, छः सात यूनिट, यहाँ तक अगर अच्छे से कर ले गए, 180 में 140 निकाल ले गए तो लगभग 200 नंबर पहुँच जाते हैं। ऐसे ही पेपर फाइव है, वहाँ बिल्कुल है कि एक वर्ड लिखो, प्रशासनिक शब्दावली का अर्थ लिखें, 3 नंबर मिल गया, मुहावरे का अर्थ लिख रहे हैं, 3 नंबर मिल रहा है, अलंकार सिर्फ पहचान पा रहे हैं, 3 नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है, तो वहाँ चांसेस रहते हैं कि आप बाकी स्टूडेंट से थोड़ा आगे निकल जाएं। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ आप दूसरों से अपने अंक को बढ़ा सकते हैं। पेपर वन टू में अगर आप बेहतर कंटेंट लिखते हैं तो बढ़िया नंबर मिलता है, तो हमको लगता है कि थ्री फोर फाइव आप एग्जाम के टाइम पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि फोर में क्या है कि सिलेबस छोटा है और 200 नंबर का है, फाइव भी छोटा है 200 नंबर का है, तो आप वहाँ गेन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेपर अगर एग्जाम के आखिरी एक महीना है तो 3-4-5 आप टारगेट करो, और अगर नहीं है ऐसा तो फिर आप होलिस्टिक अप्रोच पे चलो। एक चीज़ बोली जाती है कि यदि हमारा फर्स्ट पेपर से लेकर फिफ्थ पेपर तक सब ठीक है तो सिक्स पेपर की बेहतर तैयारी अपने आप हो जाती है, ऐसा कहना उचित है? हाँ, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने पेपर सिक्स के लिए कुछ अलग सोर्स यूज नहीं किए कभी। हाँ, ये रहता है कि एग्जाम के एक दिन पहले हम कोई निबंध की बुक है जैसे उसमें टॉपिक्स लिख गए हैं कि एआई हो गया, तो कुछ चीजें ऐसी रहती है जो साइंटिफिक है कि हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताना है, तो कंटेंट हमको चाहिए होता है, तो हम उसको आखिरी दिन रिवाइज करते हैं। पर जो परंपरागत है ना, तो वो हम पेपर टू में जैसे महिलाओं से जुड़े मुद्दे पेपर टू में पढ़ लेते हैं, इतिहास से जुड़ा कोई, इतिहास से लिंक करना है तो पेपर वन से लिंक कर ले गए, और ज्योग्राफिकल कोई चीज़ पूछ रहा है तो उससे भी बना ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप 1-5 अच्छा कर ले जाएंगे तो पेपर 6 में आपको ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अगर 10-20 घंटे उसको दे देते हैं थोड़े थोड़े टाइम पे, तो पेपर 6 में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, अब तो बढ़िया सिलेबस भी है उसका। न्यूज़पेपर की क्या भूमिका रहती है मेंस प्लस प्री में बात की जाए तो? न्यूज़पेपर की भूमिका प्री और मेंस दोनों में रहती है। प्रीलिम्स में भूमिका ऐसी रहती है कि जैसे कोई जगह
चर्चा में है, जैसे अभी गाजा स्ट्रिप का पूछा था क्वेश्चन, तो वो इसलिए नहीं पूछा था कि वो अलग से कहीं लिखा होगा, वो इसलिए पूछा गया था क्योंकि वहां विवाद चल रहा था अभी, कुछ चीजों के लेकर के विवाद है। तो वो क्वेश्चन उसने पूछा कि किसके तट पे है भूमध्य सागर, काला सागर कहाँ पे है। तो ये हम न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा लगभग ध्यान चला जाता है कि ये चीज हम मैप में एक बार देख लें, कुछ चीजें गैस हो जाती है। हाँ, गैस हो जाती है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अभी पेपर होने वाला है मेंस की, मैं चर्चा कर दूं, 8 से 13 के बीच में हो रहा है। तो जब निबंध का पेपर होगा तो इसमें एक पेपर है करेंट अफेयर से जुड़े हुए, एक छोटा निबंध है 500 शब्दों का कि करेंट से जुड़े मुद्दे आएंगे। अब ये मुद्दे इन्हीं से आ जाते हैं, जैसे पिछली बार आया था मैंने खेलों के महत्व के बारे में लिखा था कि भारत अच्छा परफॉर्म कर रहा था लिखा था, तो वो सारी चीज़ें हमको अलग से थोड़ी ना मिलती हैं। हम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि ये यहाँ गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, क्रिकेट में भारत यहाँ पहुँच रहा है, और भाला फेंक में नीरज चोपड़ा आगे जा रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को लिख के होलिस्टिक अप्रोच से जब आप लिख देते हैं तो वो बढ़िया हो जाता है। और एक अभिव्यक्ति का सेक्शन रहता है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे क्वेश्चन था अरल सागर के सूखने का क्या कारण है, तो उसको हम लोग देख सकते थे कि वहाँ बीच बीच में झीलों के सूखने के कारण आ रहा था। तो अगर हम उसको धीरे धीरे देखते जाते हैं न्यूज़पेपर को, तो मेंस भी कवर होता है, प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक्स के कंटेंट मिल जाते हैं हमको, और ऐसी ज्योग्राफिकल कंटेंट मिल जाते हैं। तो न्यूज़पेपर का रोल तो है। और दूसरी चीज, अभिव्यक्ति में जो पैराग्राफ लिखे रहते हैं तो उन्होंने कैसे शुरुआत की उसको, कैसे वो एंड कर रहे हैं उसका, तो कैसे उसको इंट्रो करना है, कंक्लूड करना है, कैसे कंटेंट को आगे बढ़ाना है, लिखने का एक तरीका आ जाता है, स्मूथ हो जाता है कलम। फर्स्ट पेपर से लेकर 6th पेपर तक न्यूज़पेपर पढ़ने का उसमें प्रभाव दिख सकता है। बिल्कुल दिख सकता है। हम मुझे तो लगता है कि पेपर वन में भी कभी कभी उसका रोल मिल जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारे स्थल खुदे जा रहे हैं, तो उन्हीं में से एक स्थल पूछ लेता है नया जो खोजा गया है, तो 3 नंबर वहां मिल जाता है अगर कोई न्यूज़पेपर देख रहा है तो। ऐसे ही पॉलिटी में हो गई, नई नियुक्तियां कभी कभी पूछ लेता है, नियुक्तियों में विवाद रहता है कि सरकार की दखलंदाजी या न्यायपालिका जो भी रहता है वहां, तो उससे जोड़ के क्वेश्चन पूछता है। तो अगर हम न्यूज़पेपर देख रहे हैं तो पेपर वन में भी लाभ मिलेगा, 2 में भी 3 में भी मिलता है, लगभग मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं से करंट से जोड़ करके कई सारे क्वेश्चन पूछ देता है उसमें से। तो मुझे लगता है कि अगर न्यूज़पेपर आप एक आध घंटे पढ़ते हैं, आधा घंटा जो भी आप दे पाए, तो अगर पढ़ेंगे तो आपका विजन खुलेगा, और क्वेश्चंस अगर नए आ रहे हैं तो अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं। एक नई नई शब्दावलियां भी मिलती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग 1-2 कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं, ज्यादातर कोचिंग के नहीं पढ़ते। तो वहां पर यदि 10,000 लोग मेंस दे रहे हैं, 10,000 लोग तो शब्दावली उनके पास सीमित है क्योंकि वो नोट्स पढ़ा है। यदि उनने कुछ अलग किया होगा तो ही मुझे लगता है उनसे डिफरेंट बन सकता है हमारा आंसर और हम। हाँ नहीं, न्यूज़पेपर जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारे आंसर की जो क्वालिटी है, लैंग्वेज क्वालिटी, वो बदल जाती है। शब्द नए जोड़ रहे हैं हम कभी 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 कोई चीज अच्छी नहीं है तो उसको हटा भी देते हैं, दूसरे रिप्लेस कर रहे हैं, तो काफी फायदा मिलता है। और करंट का अच्छा नॉलेज हो तो आप अपने आंसर को लास्ट में जोड़ देते हैं तो वो आंसर बेहतर बन जाता है। अगर जहां आपको 2 नंबर मिलने वाला 2.5 मिल जाता है, 3 मिल रहा है, 3.5 मिल जाता है, तो आधे आधे नंबर जुड़ के फायदा कर देते हैं। बात है कि 10 से 15 क्वेश्चन का इतना अंतर हो जाता है कि आप नायब तहसीलदार तो डिप्टी कलेक्टर बन गए। हाँ, और यदि आप डिप्टी कलेक्टर 10-15 नंबर होते तो फर्स्ट रैंक भी आ जाती, सेकंड रैंक भी आ जाती, तो रैंक और पोस्ट में भी फर्क पड़ जाता है, और कभी कभी बाहर भी हो जाते हैं, कोई पोस्ट भी नहीं मिल पाती। कभी कभी उन्हीं 10-15 नंबर की वजह से आप बाहर हो जाते हैं, अगर वही चीजें आप इंक्लूड कर दें उसमें तो आसानी से आपको मेंस हो जाता है। और क्या है कि स्टूडेंट ज्यादातर कभी कभी सोचते हैं कि यार इससे स्किप कर दो, इससे कुछ नहीं होगा, ज्यादा इधर फोकस करो, तो मुझे लगता है कि सभी जगह थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाँ, आपका सिलेबस जिस जगह से रिलेट करे वो आपके लिए लाभकारी है, चाहे वो आप डायरेक्ट कोई नोट्स हो कि न्यूज़पेपर हो। अगर सिलेबस से जोड़ के चीज़ें देख पूछ रहा है तो आप उसको एक बार देख सकते हैं, और सिलेबस का ज्ञान, इसीलिए सिलेबस लोग बोलते हैं कि सिलेबस का ज्ञान अच्छा होना, तो आपको कंटेंट कहीं भी मिल जाता है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपने केवल मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वही कंप्लीट किए थे राइटिंग में? हाँ, मतलब ये था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लिखते थे कि उसका क्वेश्चन लिखा, काफी बुक्स भी आती हैं आजकल, तो इतना अवेलेबिलिटी है कंटेंट की कि क्वेश्चन अलग कर दिया गया है कि इथिक्स के इस टॉपिक से ये क्वेश्चन है। अब तो जो एनालिसिस पहले 2018-19 में हम करते थे वो एनालिसिस होके आ रहे हैं, अब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। तो उससे ही फायदा मिलता है कि स्टार्ट में मैंने यही किया था कि मतलब क्वेश्चंस को लिखता और उसको देखता कि क्या चीजें इसमें मुझसे बन रही है नहीं बन रही, कंटेंट पे ज्यादा फोकस रहता था लिखने की तुलना में, और कंटेंट जब अच्छा हो गया तो लिखना अपने आप आ जाता है फिर धीरे धीरे।
दोनों चीजें रहती हैं उसमें। 1% की बात की जाए, लोग पूछते हैं, और मैं ज्यादातर इंटरव्यू में हर एक व्यक्ति से पूछता हूँ कि आपने प्री की तैयारी पहले की थी या मेंस की, और क्या प्री मेंस की तैयारी एक साथ हो सकती है, तो वो किस प्रकार से? ज्यादातर क्या होता है कि जो स्टूडेंट तैयारी शुरू करते हैं तो प्रीलिम्स से ही शुरू करते हैं। मैं भी कुछ अलग नहीं था, मैंने प्रीलिम्स शुरू किया, और प्रीलिम्स में सबसे पहले एमपी से ही शुरू करते हैं। तो मैंने एमपी से शुरू किया और अधिनियम भी मैंने पढ़ा धीरे धीरे, लेकिन क्या था कि धीरे नोटिफिकेशन आया नहीं। अब ये इत्तेफाक की बात थी कि नोटिफिकेशन नहीं आया, और मैं संस्था में जहाँ पढ़ रहा था, तो धीरे धीरे मैं प्रीलिम्स से मेंस की तरफ स्विच हो गया और मेंस का मैं पढ़ना शुरू कर दिया। तो लगभग 50-60% सिलेबस मैंने मेंस होने के पहले ही, मतलब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आने के पहले ही कवर कर लिया था। तो अब वहाँ से ये मेरी जर्नी रही है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए था कि बच्चों को प्रीलिम्स फोकस करके मेंस को लेके चलना चाहिए, कि प्रीलिम्स फोकस ऐसा रहे कि वो फैक्ट को ज़्यादा ध्यान दें, कि कहीं पे डेट लिखी है तो उसको पढ़ें, जगह का नाम है तो उसको पढ़ें, पर्सन का नाम है तो उसको पढ़ें, और ये देखें कि ये कैसे रिलेट करता है क्वेश्चन पेपर से, कि जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड है तो उसे क्या पूछेगा, टाइम पूछ रहा है कि कमेटी पूछ रहा है कि कारण पूछ रहा है, क्या पूछता है प्रीलिम्स में। तो और मेंस में भी देख सकते हैं कि 3 नंबर में कैसे पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ पूछ रहा है, या फिर ये पूछ रहा है कि ये कैसे। तो मतलब एक अप्रोच होनी चाहिए होलिस्टिक लेकर के, जो प्रीलिम्स को भी कवर करे मेंस को भी कवर करे, पर ऐसा होता नहीं है। लगभग लोग पहले प्रीलिम्स को करते हैं, फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस करते हैं, और ज़्यादातर यही देखा जाता है कि वो पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पा रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है वो पहले अटेम्प्ट में अच्छी जगह पहुँच जाते हैं, पर अप्रोच ही लेके चलनी चाहिए कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेके चलें, और नोटिफिकेशन के 1-2 महीने पहले प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस हो जाएं। तो ये एक अच्छा तरीका है करने का मुझे जहाँ तक। जैसे कि अभी सुमेश जी ने बताया कि जलियांवाला हत्याकांड है, दोनों के प्रश्न आपको देखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप एक बुक कॉपी में फ्लोचार्ट टाइप का बना लें, उसमें लिख लें जलियांवाला, यहाँ पर लिख लें प्री, और मेंस का भी जलियांवाला वाला बना लें, तो उसमें जितने भी प्रश्न आए हैं तो वो अलग अलग कर लें, सन से आया कितने आए, और सेम मेंस में भी कर लें वही, तो उससे क्या कि चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं वो सामने। लगभग क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की ईयर पूछ लिया 1919-1918 क्या है, कारण पूछ लिया कि क्यों, मतलब किनकी गिरफ्तारी हुई थी क्या कैसे, तो ये एक पैटर्न होता है उनका करने का। तो उससे हमको समझ में आता है कि इस क्वेश्चन कैसे पढ़ लें कि सारी चीजें कवर अप हो जाए, ऐसा रहता है। तो अगर प्रीलिम्स अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वो मेंस में भी काम आता है, मेंस पढ़ रहे हैं तो प्री में भी काम आता है। इसी कारण कहते हैं कि अगर आप होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं तो ज्यादा फायदे में रहते हैं। तो कहें कि कंसेप्ट के साथ फैक्ट को भी लेकर चलना है, और या फैक्ट के साथ कंसेप्ट को, दोनों चीजें साथ में लेके चलेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने जो 2-3 अटेम्प्ट मेंस के दिए हैं तो मुझे एक चीज ये समझ आया है कि सिर्फ फैक्ट से नहीं निकल सकता और सिर्फ कॉन्सेप्ट से भी नहीं निकल सकता। अगर आपको फैक्ट नहीं याद है तो कहीं ना कहीं आप 20-50 नंबर लॉस कर देंगे, फैक्ट याद नहीं है। आप बहुत अच्छा एनालिसिस कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन वैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे एनालिसिस। तो आप फैक्ट भी पढ़ें और कॉन्सेप्ट भी पढ़ें, कॉन्सेप्ट से प्री के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और फैक्ट से मेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो दोनों को लेके चलें और आवश्यकता के अनुसार यूज करें, जहाँ जो जरूरत हो उस हिसाब से यूटिलाइज करें। आपके द्वारा सबसे ज्यादा पूछा गया थर्ड पेपर को लेकर, थर्ड पेपर क्या सबसे ज्यादा लोगों को समस्या आती है, कुछ आर्ट बैकग्राउंड के रहे, साइंस के भी रहते हैं, तो वो क्या यहाँ पर तो थोड़ी बहुत आती है कि यार पेपर 3 किंग मेकर की भूमिका निभा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि नंबर भी वहाँ पे प्रॉपर अच्छे खासे मिलते हैं। तो पेपर 3 की अप्रोच क्या होना चाहिए स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए? हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे भी कई बहुत ज्यादा पूछा गया है पेपर 3 को लेकर के। आपने जैसे कहा कि जो आर्ट बैकग्राउंड के रहते हैं तो उनको पेपर 3 उतनी पकड़ रहती नहीं है, और पेपर 3 का जो पहला हिस्सा है 1-5 यूनिट का, वो हिस्सा ऐसा है कि अगर आपने उसमें आंसर्स लिखे अच्छे तो आप 150 में 130 भी ला सकते हैं। जैसे मैथ का है तो आप पूरे नंबर निकाल सकते हैं, 50 ले सकते हैं वहां पर। हाँ, अगर 30 नंबर का सिलेबस है मैथ का तो आप निकाल ले जाएंगे। ऐसे फिजिक्स में भी रहता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, अगर आप उसको सही कर लेगा 40 नंबर तो सीधे निकाल लेंगे आप। तो अगर आप पेपर 3 में जो भी बच्चे हैं जो जीरो से तैयारी कर रहे हैं तो उनको मतलब कोई ठीक ठाक बुक, स्टैंडर्ड बुक यूज करनी चाहिए कि जिसमें वो सिलेबस को पूरा कवर है। सिलेबस से इतर जाके नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इतर पढ़ना है तो फिर आप लूसेंट के छोटे छोटे फैक्ट देख सकते हैं और सिलेबस को पकड़े। अगर अम्ल छाल लवण है तो अम्ल छाल लवण से जुड़े जितने भी डायमेंशन है आप उसको कवर अप कर लें कि प्रबल अम्ल कौन है, दुर्बल अम्ल कौन है, कौन सा फैक्टर होगा, H+ है, OH- है, क्या है कैसे, तो वो देख लें।
और सबसे ज़्यादा फोकस करें मैथ को लेकर के। मैथ में क्या है कि जैसा हमने देखा कि 2023 में मैथ के काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, तो उन क्वेश्चन से ये था कि आप बड़े आराम से उसको 30 निकाल, 30 का 30 पा सकते थे, और मैंने देखा कुछ बच्चे उसको भी गलत करके आ गए और उनके बाकी पेपर अच्छे होने के बावजूद उनका मेंस नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने पेपर 3 मिस कर दिया। ऐसे ही गणित हो गया, कंप्यूटर में बहुत सिलेक्टेड चीज़ें हैं, मतलब मैं मंथन यूज करता था तो परीक्षा मंथन में जैसे उसमें लिखा है कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, उसकी विशेषताएं, सीधा आप पढ़ो उसको और उसको लिख लो, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सीधा प्रश्न पूछ लेता है उसमें, एमएस ऑफिस से एमएस ऑफिस के अनुप्रयोग बताइए, डायरेक्ट पूछ रहा है। ऐसे प्रश्न तो ऐसा है गिफ्ट मिल रहे हैं कि एमएस ऑफिस सिलेबस में लिखा है और पूछ रहा है एमएस ऑफिस के उपयोग क्या है, तो गिफ्ट है, आप उसको जितना अच्छा बुना 11 में से आप 8 निकाल लें, 7 निकाल लें उसमें से, तो 1-5 टारगेट करें। और एक यूनिट 7 है जिसमें बहुत सारे संस्थान के नाम लिखे हैं, वो डायरेक्ट पूछता है उस संस्था का क्या अनुप्रयोग है, 5 नंबर में पूछेगा, या बड़े क्वेश्चन में पूछ लिया उसी में आपका क्लोनिंग आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है उसी में से, तो अगर उसको प्रिपेयर कर लें तो ये 180 नंबर का जो मार्जिन रहता है ये इतना फर्क कर देता है ना कि एक बच्चा इस 180 में से 70-80 लाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और दूसरा बच्चा उस 180 में से 150-40 ला रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि एक बाहर हो रहा है कि डीसी बन रहा है, इतना फर्क पड़ जाता है। तो पेपर 3 में यही है कि बुक्स का पहले चुनाव सही से कर लें, जो बुक्स आपको पढ़नी है, उसके बाद आप उसके फैक्ट भी प्रिपेयर कर लें और कॉन्सेप्ट भी प्रिपेयर करें दोनों चीज़ों को, और टाइम उसमें खूब दें आप, तो फर्क कर देगा, किंग मेकर वही बनना है पेपर 3 से ही। किसी भी सब्जेक्ट की अप्रोच सही होना चाहिए पढ़ने की, हाँ, सिलेबस आपका क्या है और क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं और क्या बन सकता है, जैसे पीएच वैल्यू को लेकर के उसने पूछा 11 नंबर का प्रश्न, पीएच वैल्यू लगभग आप जिस भी नोट्स में देखेंगे, जिस भी बुक में देखेंगे, बढ़िया आंसर दिया है, पीएच वैल्यू क्या है, यूज क्यों होता है, उसके क्या क्या अनुप्रयोग है लास्ट में, ऐसा करके पूछा रहता है, प्रश्न आया था अभी और वो बढ़िया लिखा बच्चों ने, जो भी लिख रहे थे बढ़िया लिख रहे थे स्टूडेंट, तो मतलब अगर आपको सिलेबस का ठीक ठाक नॉलेज है तो आधा काम तो वहीं हो गया और फिर आधा काम आपकी पढ़ाई कर देती है, तो ये दोनों चीजें हैं, पेपर 3 फोकस करने लायक है अब के सिलेबस के हिसाब से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो बुक्स का चुनाव करें, ऐसा नहीं कि इनने जो बुक पढ़ी थी आप पूछ रहे हैं कौन सी बुक पढ़ी थी पेपर 3 की, क्योंकि वर्तमान समय के अनुसार चीजें और बेहतर बनती जा रही हैं, तो मुझे लगता है सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को रख कर और बेहतर जो मार्केट में बुक है तो बोलें, क्योंकि इनके टाइम पे हो सकता है कि ऐसी बुक थी कुछ चीजें मेंशन करनी पड़ी थी, कुछ उतनी एनालिसिस नहीं थी, खुद का टाइम स्पेंड करना पड़ा था सर्च करने में, मुझे लगता है वर्तमान के हिसाब से चले ना कि पहले जो क्या हुआ था क्या किया था वो देखें। ये सही बात है कि समय बढ़ता है तो बेहतर होती जाती हैं चीजें, और इस फील्ड को अछूता तो है नहीं उस चीज को लेकर के, कि पहले जो नोट्स थे तो ऐसे पहले जैसे प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे तो वो सीधे पेपर वाइज लगा के रखा था, आज हम देखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट से हर एक जगह से अलग अलग करके दिखा रहा है कि फिजिक्स से 2003 से लेकर अब तक ये प्रश्न पूछे गए हैं, ये सिलेबस से ये ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब कंटेंट ने हमारा काम और भी आसान कर दिया है, लेकिन इसके भी दो पहलू हैं, कभी कभी क्या होता है कि ओवर कंटेंट होने की वजह से हम कंफ्यूज रहते हैं इसको पढ़ें किसको पढ़ें, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि सारे एक साथ उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो पता चलता है कि इसमें भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इसमें भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो बेहतर यही है कि एक कंटेंट पकड़ें और जो चीज़ें छूट जा रही हैं उसको जोड़ें उसमें से, ऐसा करें, और या फिर अगर कोई मार्केट में नया कंटेंट आया है बेहतर लिखा है तो आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही है और कुछ नई चीज़ें उसमें बेहतर है तो उसको आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसी मिस्टिक रहे हैं, कोई सलूशन नहीं है कि आप सेम कंटेंट को बार बार पढ़ें, और या फिर अगर आपको कोई नया कंटेंट बेहतर मिलता है तो आप उसको भी एक दो बार पढ़ सकते हैं और उसको भी अपना बना सकते हैं कि आज से मैं इसको पढ़ूंगा, तो दोनों अप्रोच सही हैं। अपने 6 पेपर में से किसी ऐसा लगता है कि इस पेपर पर सही पकड़ नहीं है, कंटेंट ठीक नहीं है, आपको कुछ कमी लगती है, एक दो बार लिखने के बाद भी कमी लगती है? मुझे ऐसा लगता है कि सभी कंटेंट चेंज नहीं करने, कुछ कुछ लोग पूरे नोट से चेंज कर देते जो पहले पढ़ा था, नई बुक से जो चीजें आपके काम की आप उसको उठा सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बुक से बिल्कुल सिमिलर ये बुक है और कुछ नई चीजें इसमें है तो आप नई वाली बुक को भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ने से नुकसान हो जाएगा, पर ज्यादातर कोशिश यही रहनी चाहिए कि उससे कुछ चीजें निकाल के इधर रख लें और उसको पेजेस में रख के और नोट डाउन कर लें और उस हिसाब से आगे बढ़ें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो हमने पहली बुक पढ़ी है तो उसमें हमको ध्यान है, 2-3 बार पढ़ा के कौन सी चीज कहाँ पे हमने हाईलाइट की थी, हाँ, बिल्कुल। और जब हम नई बुक पढ़ते हैं तो पूरा एकदम फ्रेश, दोबारा से वही मेहनत करना है।
नई चीजें लगती हैं कि नया नया पता नहीं। वही नहीं कि हमने एक रूम शिफ्ट किया, यहाँ पे आपको पता है कि किचन का सामान कहाँ है, कहाँ पे कौन सी डिब्बी रखी, कहाँ से कौन बुक रखी। आप दूसरे रूम शिफ्ट करेंगे तो अब व्यवस्थित होने में ही टाइम लग जाएगा कौन सी चीज कहाँ पे। हाँ, मतलब 10 दिन तो ऐसे ही लग जाता है कि कहाँ पे कौन सी चीज रख रहे हैं। बिल्कुल, तो वो चीजें क्या अव्यवस्थित हो जाती है। तो प्रयास करें कि कम से कम कंटेंट चेंज करें, शुरुआत में ही कंटेंट का सही चुनाव करें। हाँ, पहली बार आप जब पढ़ें तो बेहतर कंटेंट पढ़ें, और हर बार ऐसा ना हो कि आप कंटेंट बदलते रहें। जब प्रीलिम्स आ रहे हैं आप नई बुक ले रहे हैं, ऐसा ना हो। नई बुक में जो चीज़ें ऐड हुई हैं उसको आप 1-2-3 पेज में भर लें कि ये चीज़ें हैं, ये नया नया जुड़ा हुआ है, ये पर्सन रहे हैं, ये इनकी मृत्यु हुई है या इन्होंने अवार्ड पाया है, उसको एक पेज में लिख लें। वो आसान हो जाता है आपके लिए। आपको आदत पड़ी होती है किसी बुक को 3-4 दिन में रिविजन करने की, जब नई बुक आ जाती है तो आप उसको 10-12 दिन दे रहे हैं तो वो नुकसान ही होता है 6-7 दिन का आपके पास। और एक लास्ट प्रश्न, सिलेक्शन तक से आप कब से जुड़े, कब देखा था? अभी जब ये रिजल्ट आया 2020 का तो मेरा भी चयन हो गया था उस दौरान, तो मैं अक्सर देखता था क्योंकि मैं कुछ नंबरों से रह गया था टॉप मोस्ट जगह तक पहुंचने के लिए। तो मुझे लगता था कि थोड़ा बहुत देखना चाहिए जिन्होंने ज्यादा मेंस में नंबर लाए हैं। इंटरव्यू में तो फोकस नहीं करता था उतना ज्यादा, क्योंकि मुझे पता था कि इंटरव्यू से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और तो मेंस में मैं वही करने के लिए मैं बहुत सारे लोगों को देखा, तो ज़्यादातर जो MPPSC के ज़्यादा देखे हुए वीडियोस थे वो मुझे सिलेक्शन तक में मिलते थे, और टॉपर्स लगभग वहीं मिल जाते थे। इसके अलावा मेरे दोस्त भी मुझे सजेस्ट करते थे, 1-2 दोस्त हैं जो ज़्यादातर मुझे सजेस्ट करते थे कि यहाँ देखो तुम ये वाला वीडियो देखो, ये अच्छा बताया गया है इसमें से देख सकते हैं आप। तो वहाँ से मैं सिलेक्शन तक को थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर दिया था। फिर कुछ दिनों तक बात तुम्हें लगभग उसके वीडियोस देखने लगा था और सिमिलर हो गया था, जैसे आपसे बात होती थी ना तो मुझे आपसे जाने पहचाने से लगती थी, आवाज़ जानी पहचानी लगने लगी थी। तो सिलेक्शन तक तो मैं पिछले 6-7 महीने से तो देख रहा हूँ, लगभग देख लेता हूँ, और 2-4 दिन में 1-2 वीडियो जो भी आते हैं या फिर कंटेंट से जुड़े वीडियो हैं, क्योंकि मैं अभी कल परसों सेलेक्ट हुआ हूँ फाइनली की DC बना हूँ। उससे पहले तो यही टारगेट था कि कहीं कोई अच्छी बुक मिल जाए, तो उसके लिए मैं सिलेक्शन तक में 1-2 वीडियो आपने डाला था तो उससे देखा था कि कौन सी नई बुक आई है मार्केट में। तो सिलेक्शन तक का काफी क्रेज है बच्चों के बीच में, देखते हैं उसको। दोस्त वगैरह का कैसा कह रिव्यू रहा? दोस्त मेरा एक दोस्त है तो मैं उसके यहाँ गया हुआ था, तो वो बोला कि चलो तुमको इसमें दिखाते हैं, ये वाला वीडियो देखना, ये वाला अच्छा है। तो मैंने उसको देखा था, फिर हो गया। मुझे लगा था कि हो सकता है कि मेरा भी कभी हो जाए इंटरव्यू, इस दौरान आज आपसे मुलाकात करने का मौका भी मिल गया, तो मुझे मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जर्नी और आपकी स्ट्रेटजी बहुत शानदार रही। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को इस इंटरव्यू से हेल्प मिलेगी। यदि आपको मदद मिलती है तो अन्य लोगों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे क्या है कि और लोगों को भी हेल्प मिले, और बाद में भी इनसे मिलेंगे, मुलाकात होगी। पेपर वाइज और यूनिट वाइज पर भी प्रयास करेंगे कि इंटरव्यू लेकर आए कि किस यूनिट पे कितना फोकस करना चाहिए, उसे क्या थोड़ा सा हम एनालिसिस करके उस पर वीडियो बनाएंगे हर एक यूनिट का, कहाँ से आप बेहतर कर सकते हो। तो यदि फिर से यदि हमारी मुलाकात हुई तो आपके लिए बहुत बेहतर वीडियो एक और लेकर आएंगे, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एक वीडियो हो रहा है लंबा थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर नहीं हो पाएंगी। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ें, वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वहाँ पर भी हम अपडेट करते रहते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।